तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मॉन्स्टर इन मेला के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि जेफ द किलर के कहने पे बनी रेड क्रिमिनल को गोली मार देता है। गोली लगते ही रेड क्रिमिनल नीचे जमीन पे गिर जाता है। जेफ द किलर उस मॉन्स्टर को भी अपने साथ मेले में लेकर आ गया है। जेफ द किलर ऊपर से ही बाबा के साथ साथ सारे लोगों पे नजर रखे हुए था। मेले में इतना ज्यादा शोर था कि गोली चलने की आवाज बाबा या गुल्ली बुल्ली कोई भी नहीं सुन पाते हैं। गोली रेड क्रिमिनल के बाएं कंधे के पास आकर लगती है। ये देखकर आसपास की दुकान से स्केरी टीचर और झंडू अंकल भागते हुए आते हैं। ग्रीन क्रिमिनल ऊपर देखता है जिस तरफ से गोली चलने की आवाज आई थी। ग्रीन क्रिमिनल बन्नी को देखता है और कहता है, अरे तुमने मेरे भाई को गोली क्यों मारा? मेरे भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? अरे ये क्या, जेफ द किलर कहाँ चला गया? अभी तो यहीं पे था, कहीं वो भाग तो नहीं गया? अरे ये क्या, नीचे से तो वो मॉन्स्टर भी गायब हो गया। थोड़ी देर के बाद रेड क्रिमिनल के आसपास बहुत सारे लोग आ जाते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, अरे इसे गोली किसने और क्यों मारा? स्केरी टीचर ग्रैंडपा से कहती है, मुझे नहीं पता किसे क्यों मारा है, लेकिन मैं ये जानती हूँ किसे किसने मारा है। हाँ हाँ, जल्दी बताओ किसने मारा है इसे। तभी स्केरी टीचर सर्कस के टेंट के ऊपर देखती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो बनी है ही नहीं। स्केरी टीचर के साथ साथ सारे लोग ऊपर देखने लग जाते हैं। सारे लोग यही सोचने लगते हैं कि कहीं स्केरी टीचर झूठ तो नहीं बोल रही है ना। तभी जेफ द किलर वहाँ पे अपने साथ बनी और उस मॉन्स्टर को लेकर आ जाता है। जेफ द किलर कहता है, अरे यहाँ पे इतना सारा भीड़ कैसे आ गया? मॉन्स्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि सारे लोग डर कर भाग जाएं। बनी कहता है, चलो सब लोग निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्या तमाशा चल रहा है क्या? ग्रैंडपा कहते हैं, अरे हम लोग यहाँ से कैसे निकले? इस मेले को तो हम लोगों ने ही लगाया है। तभी जेफ द किलर कहता है, लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले हैं। अरे देख क्या रहे हो, गोली मार दो सबको। व्यक्ति ये बात सुनकर बनी सबके ऊपर अंदर से गोली चला देता है, जिससे कि ग्रैंडपा और स्केरी टीचर को गोली लग जाती है और बाकी के सारे लोग गोली लगने की डर से इधर उधर भाग जाते हैं। अरे ये क्या, एक गोली तो जेसन के पैर में लग गया। गोली लगते ही तीनों जमीन पे गिर जाते हैं। मेले में इतने सारे गोली चलने की आवाज को सुनकर बाबा, गुल्ली बुल्ली, रॉड सारे लोग दौड़ते हुए आते हैं। ये सब देखकर रॉड कहता है, अरे ये सब किसने किया, किसने मारा मेरे दोस्त को? ग्रीन क्रिमिनल जेफ द किलर की तरफ देखता और कहता है, वो देखो उन लोगों ने ही मारा है मेरे भाई को। ये सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब देखो तुम लोग, बाबा अब तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर चटनी बना देंगे। बाबा मारिए इन लोगों को, इसने मेरे भाई रेड क्रिमिनल को गोली मारा है। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल रोने लग जाता है। बाबा कहते हैं, मैं क्यों मारूं? क्या तुम्हारे पास हाथ नहीं है? जाओ मारो सबको, मैं देखता हूँ। ठीक है बाबा, अभी मजा चखाता हूँ इन लोगों को। ये बोलकर ग्रीन क्रिमिनल दौड़ते हुए जेफ द किलर और बनी को मारने के लिए जाने लगता है। मारो मारो, हाथ पैर तोड़ दो सब लोगों का। अरे ये क्या, जेफ द किलर चाकू क्यों निकाल रहा है? आखिर ये क्या करने वाला है? अरे नहीं, इसने तो ग्रीन क्रिमिनल को पीछे से चाकू मार दिया। ये देखकर सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अरे नहीं, अब तो ग्रीन क्रिमिनल भी मर जाएगा। चाकू मारने के बाद जेफ द किलर जोर जोर से हंसने लगता है। तभी रॉड बाबा से कहता है, बाबा आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, आपने उसे इन खतरनाक लोगों से लड़ने के लिए अकेले भेज दिया। रॉड की ये बात सुनकर बाबा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। सोन कहता है, बाबा जल्दी कुछ कीजिए। सोन की ये बात सुनकर बाबा गुस्से में उन लोगों को मारने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, मॉन्स्टर तो पहले ही बाबा से लड़ने के लिए आगे आ गया। पता नहीं बाबा इस मॉन्स्टर से अकेले कैसे लड़ेंगे। मॉन्स्टर को बाबा के ऊपर भारी पड़ता देख आलोक कहता है, मुझे लगता है हमें बाबा की मदद करनी चाहिए, बाबा अकेले इन तीनों से नहीं लड़ पाएंगे। हाँ चलो बाबा की मदद करते हैं। ये बोलकर सारे लोग जेफ द किलर और बनी पे टूट पड़ते हैं। रॉड जेफ द किलर को उठा उठा कर पटकता है और इधर आलोक बनी को उछल उछल कर किक मारता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली इस मॉन्स्टर को तो मार रहे हैं लेकिन इस मॉन्स्टर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इधर इन लोगों की फाइट चली रही थी कि तभी वहाँ पे बॉब और बग भी आ जाते हैं। बॉब कहता है, अरे ये सब मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ तो हमारे बॉस ही मार खा रहे हैं। अरे हाँ भाई, हमें कुछ करना होगा, हमें बॉस को बचाना होगा, नहीं तो ये लोग हमारे बॉस को मार मार कर चटनी बना देंगे। तभी बॉब को कुछ दिखाई देता है और वो आगे आने लगता है। अरे ये क्या, ये तो बनी का गन है। बॉब कहता है, चुपचाप छोड़ दो हमारे बॉस को। बॉब की इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं देता है। सारे लोग जेफ और उसके लोगों को कूटने में लगे हुए हैं।
सब देखकर बक बॉब से कहता है, अरे देखते क्या हो, गन है ना तुम्हारे पास, गोली चला दो। अरे अरे क्या कर रहे हो बॉब, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो, उस तरफ मारो उन लोगों को। तभी अरे ये क्या, बॉब ने तो रॉड को गोली मार दिया और फिर चुन्नी के सर के ऊपर गन तान दिया। तो दोस्तों क्या होगा इन लोगों का, कैसे बचेंगे ये लोग, कौन बचाने आएगा इन लोगों को, और क्या जिन लोगों को बनी ने गोली मारा है क्या वो लोग जिंदा बच पाएंगे, ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।